हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल माय होम माय स्कूल। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे सेफ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम लोग एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे और आपके जो भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, सबसे पहले तो हम उनको सॉल्व करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स के लिए। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं और आज हम उसी पर वीडियो ये बना रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 पॉलीनोमियल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। सो एक्सरसाइज 2.1 में हमारा एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं, इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था और उसी से रिलेटेड ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मैं एक ले लेता हूँ पार्ट। सो सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हमें क्या आंसर देना है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो हमको ये बताना है उस ग्राफ को देख करके कि इस पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोस कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर निकालने से पहले हम लोग समझना चाहेंगे इसको एक बार फिर से कि बेसिकली ये ग्राफ कह क्या रहा है, यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या है, कैसे हैं, ताकि हम ये मेक श्योर कर लें कि हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ लें इजीली कि इस ग्राफ में कह क्या रहा है और हम लोग कैसे जीरोस निकालते हैं। तो इस ग्राफ में हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए हैं। तो पॉलीनोमियल जो पी एक्स है उसको हम लोग यहाँ पे वाई बोल रहे हैं। आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, क्वेश्चन में भी वाई इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है। सो वाई जो है पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब भी आप उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको वाई की वैल्यू निकल के आती है। तो इसीलिए हम लोग पी एक्स को वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कर्व ग्राफ जा रहा है इस तरीके से। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल क्या है, एक्स। तो इसका मतलब आपको कभी भी इसके जीरोस निकालने के लिए एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि अगर आपको कभी इस तरीके से ग्राफ दिया जाता है तो उस ग्राफ के जीरोस निकालने के लिए आपको सिंपल ये चीज देखनी है कि वो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच करके जा रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्रॉस किया है, इसके अलावा ना कहीं टच किया है ना ही क्रॉस किया है। तो इसका मतलब इस पॉलीनोमियल के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, वन जीरोस। सो स्टूडेंट्स, जो मैं वन लिख रहा हूं ये वैल्यू नहीं है बट ये नंबर ऑफ जीरोस है कि इस पॉलीनोमियल के कितने जीरोस है, तो एक जीरो है। ओके, इसी तरीके से हम एक और ग्राफ ले लेते हैं जो इस क्वेश्चन का लास्ट ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर हम देखें, थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो गया, लेकिन इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार टच होकर निकल रहा है, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बोलें तो इस पॉलीनोमियल पी एक्स के लिए जिसके लिए ग्राफ बना है उसके 3 जीरोस हैं। सो आवर आंसर विल बी 3। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, आपको कैसे जीरोस निकालने हैं ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपके जो बाकी 4 पार्ट्स हैं उनको भी आप रिजॉल्व कीजिए और अगर उसमें आपको कुछ डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये कह रहा है कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, रिलेशनशिप निकालिए उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में।
तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने सीखा था क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए, और हमारे जो क्वेश्चन में दिए गए हैं हमको सभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि उसके लिए दो ही जीरोस निकल के आते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने पिछले वीडियो में कि एक जो पॉलीनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के सिर्फ दो ही जीरोस हो सकते हैं, और वही हम लोग आज निकालने वाले हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके लिए। स्टूडेंट इसमें एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम जो यहाँ पर मेथड फॉलो कर रहे हैं ये ऐसे मेथड है जो आपको जनरली स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं और ये एग्जाम में एक्सेप्टेबल है। आपको मैं कोई इनडायरेक्ट तरीका नहीं बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर निकालने की, क्योंकि हम यहाँ पर इस वीडियो के पर्पज में ये जान रहे हैं कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में सिक्योर कर सकता हूँ। और उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें जो एग्जाम में एक्सेप्टेबल हो, टीचर आपको फुल मार्क्स दे। तो आपको कोई स्टेप मिस नहीं करना है, कोई इनडायरेक्ट तरीके से आंसर नहीं निकाल के लाना है, कोई शॉर्टकट ये नहीं यूज करना है एग्जाम में। शॉर्टकट्स के लिए आप बाद में यूज करेंगे जब आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ यूज करना है, इसके लिए आप जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट्स ना डिस्कस करके प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक जो मेरा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था उसको लिख लेता हूँ। तो ये मेरा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ और अपने कोएफिशिएंट्स निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पर यू है, तो यू स्क्वायर के साथ जो मेरा टर्म है वो ए हो जाएगा। सो ए यहाँ पर होगा फोर। इसी तरीके से एक्स के साथ जो टर्म है वो बी होगा, तो यहाँ पर यू के साथ एट है तो बी क्या हो गया, एट। अब क्योंकि यहाँ पर कोई तीसरा टर्म है नहीं तो मैं यहाँ पर मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस जीरो होगा, इससे इक्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए मैं मान के चल सकता हूँ कि सी क्या है, जीरो। अब क्योंकि मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो सबसे पहले तो मुझे जीरोस निकालने पड़ेंगे, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सो स्टूडेंट्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए जहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्ट जीरो हो, तो वहां पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो भी इक्वेशन में से अगर आपको कुछ कॉमन निकल के आ रहा है तो आप उस चीज को कॉमन निकालें और सिंपली आपके जीरोस निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू में से अगर मैं फोर यू को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर यू बचेगा, क्योंकि फोर को मैंने कॉमन ले लिया, यू को मैंने कॉमन ले लिया, तो एक यू बचता है। प्लस यहाँ पे क्योंकि मैंने फोर कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा टू, क्योंकि फोर टू एट होता है तो टू बचेगा यहाँ पर, और क्योंकि यू मैंने कॉमन ले लिया है तो यू नहीं बचेगा। तो ये मेरे दो जीरोस हो गए, क्योंकि या तो ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ गए। जब मेरी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाती है तो इसका मतलब वहां से मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और वहां पे मैं डायरेक्टली उसे जीरोस के लिए इवेल्युएट कर सकता हूँ, मतलब जीरो के इक्वल रख के जीरोस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं फोर यू को जीरो रखता हूँ, तो मेरा यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसी के साथ अगर मैं यू प्लस टू को जीरो रखता हूँ तो मेरा यू क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो ये मेरे जीरो का पॉलीनोमियल हो गया। चलिए मैं वैलिडेट कर लेता हूँ। मेरा वैलिडेशन ये कहता है कि अगर मैं दोनों जीरोस को ऐड करता हूँ तो माइनस बी अपॉन ए पे इक्वल आना चाहिए। चलिए मैं रख देता हूँ, मेरा एक जीरो है जीरो और एक है माइनस टू, तो जीरो और माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस टू। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे बी रखता हूँ, तो बी मेरा एट है, ए फोर है, तो जैसे ही मैंने इनको डिवाइड किया ये माइनस टू आएगा और ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से जब मैं अल्फा बीटा निकालता हूँ तो वो सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो जब मैं जीरो और माइनस टू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो जीरो आएगा, और सी क्योंकि ऑलरेडी जीरो है तो जीरो अपॉन फोर जीरो ही आएगा, तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आप लोग बाकी सारे इसके क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो कर सकते हैं।
और ध्यान रखिएगा, मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था जहाँ डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में हम लोग टर्म्स को लिखते हैं, तो आप जरूर मेक श्योर करें कि आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पॉलिनोमियल को लिखें, उसी के बाद आप जो है उसको जीरो से सॉल्व करें। तो इसके बाद हमारा खत्म होता है क्वेश्चन 1, इसके बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। अगर सॉल्व नहीं होते, किस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगेन कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उसका रेजोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तो हम लोगों के लिए और कॉम्प्लिकेट कर दिया, इस बार तो पॉलिनोमियल ही नहीं दिया, इस बार तो बोल दिया पॉलिनोमियल ही हमको निकाल के दो, और हमें दे क्या दिया है, जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट, और हमको क्या बोल दिया है यार, पॉलिनोमियल निकालो, तो करना तो पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही बोला गया है। चलिए देख लेते हैं इस चीज को। तो इसका क्वेश्चन हम लेते हैं, पार्ट 2 में ले रहा हूं इसका, जिसमें मुझे सम दिया हुआ है एज √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है एज 1/3। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए सम जो है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं कि √2 इज इक्वल टू -b/a, तो इसमें कुछ ज्यादा क्यों होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे सिर्फ b/a रखना है, तो मैं माइनस को इधर ले आता हूँ, तो ये -√2 हो जाएगा और ये b/a हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके अपॉन में 1, कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को कुछ नहीं दिया होता तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ प्रोडक्ट को, सो अल्फा बीटा मुझे दिया होता है c/a, यहाँ पे मुझे 1/3 दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका क्या है कि आपको हमेशा a की वैल्यू दोनों जगह इक्वल करनी होती है। तो मैं 1 को तो 3 बना सकता हूँ, लेकिन 3 को 1 नहीं बना सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 1 को 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि मैं एक तरफ को मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस नंबर को चेंज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3√2 और नीचे हो जाएगा 3। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि b जो है -3√2 है, a 3 है, a 3 है और c 1 है। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। अब मुझे पता है कि मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो मुझे कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यू पुट करनी है और मुझे मेरा पॉलीनोमियल मिल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, a 3 है, b क्योंकि -√3 -3√2 है तो हमने माइनस में लिख दिया, और प्लस c मेरा 1 है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हम लोगों की खत्म हो जाती है एक्सरसाइज 2.2। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है बट बहुत ही स्कोरिंग है। इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, या तो आपके पास आएगा जहां पे आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा, या फिर आपके पास आएगा जहां क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको फॉर्म करना होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप देखेंगे आपका एग्जाम्पल 5, तो उस पर स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए है, अगेन इस पर स्टार लगा हुआ है और आप नीचे अगर नोट देखेंगे तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसका मतलब आपके एग्जाम में ये पूछा जाने वाला नहीं है। लेकिन कई बार ट्यूटर्स इसको बहुत ज्यादा डरा के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसे सीख नहीं है, हालांकि आपको क्योंकि आपने पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें, अगर आपसे ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मेरी तरफ से एक शाबाशी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस, और हम उसको देखेंगे कैसे हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.3। तो
तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 मेनली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। इसका मतलब आप यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड होते हुए देखने वाले हैं, जहां पे आपका डिवाइजर होगा, डिविडेंड होगा, कोशेंट होगा, रिमाइंडर होगा। पूरी एक्सरसाइज डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड होने वाली है। यहाँ पर आपको इन चार में से ही किसी ना किसी एक या दो की वैल्यूज निकालनी होगी। सो मोस्टली इसी चीज पर बेस्ड है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या समझा था डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 में जो डिवीजन एल्गोरिथम यूज होने वाली है, उसके लिए हमने समझा था कि अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स है पी एक्स एंड जी एक्स, तो पी एक्स और जी एक्स अगर दो पॉलिनोमियल्स है और मैं पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करने वाला हूं, तो उसके लिए दो वैल्यूज क्यू एक्स और आर एक्स, ऐसे दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे ताकि मेरा ये डिवीजन एल्गोरिथम की जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई हो सके, ये रूल सेटिस्फाई हो सके। तो इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्यू एक्स और आर एक्स। इसका मतलब आपको डिवाइड करके क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना है। चलिए उसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो मैं जो क्वेश्चन देखने वाला हूँ वो थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको पी एक्स दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 - 5x + 6, और आपको जी एक्स दिया हुआ है 2 - x². सो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप डिवाइड करने जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके पी एक्स और जी एक्स दोनों ही आपके जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। पहले हम देख लेते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो -x² टर्म पहले आएगी और ये +2 बाद में आएगा। तो अब हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है कन्वर्ट, तो इसका मतलब अब हम डिवीजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी आप डिवाइड करने जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ जो पहली टर्म है और यहाँ जो पहली टर्म है उसको आपको सेम बनाना है। तो अब आप ये देखिए कि उन दोनों को सेम बनाने के लिए आपको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ माइनस है और प्लस है, तो साइन चेंज करने के लिए आपको हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वो -1 होगा, तो मैं माइनस का साइन लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 2 है और यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो मुझे कितना इंक्रीज करना है, एक्स की पावर 2 इंक्रीज करना है, तो इसीलिए मैं एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए मुझे ये टर्म मिल गई, तो इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा -, और प्लस होके एक्स की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद -2x² हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये तो प्लस का साइन हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होते हैं माइनस करते हैं हम लोग, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इस टर्म में एक्स की पावर 1 है और इस टर्म में एक्स की पावर 2 है, तो ये इवेल्युएट नहीं हो सकते, ये माइनस या प्लस नहीं हो सकते। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का टर्म हो गया है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 2x² और ये आएगा -5x + 6। अब इस तरह से लिखने के बाद स्टूडेंट्स मैं इसको आगे डिवाइड करूंगा, तो क्योंकि यहाँ पे अगेन माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस की टर्म आनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है और यहाँ पे नंबर 2 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि x² ही है तो इसका मतलब मुझे किसी भी तरह से x की पावर इंक्रीज नहीं करनी है, इसका मतलब यहाँ पे x की टर्म नहीं आएगी। तो चलिए इसके बाद हमें करता हूँ इस चीज को मल्टीप्लाई। तो माइनस, तो ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम लोगों ने इसको लिखा ही इसी तरीके से कि ये टर्म जो है फर्स्ट टर्म के इक्वल बन जाए, तो यहाँ पे तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, जो आपको सोचना है वो यहाँ सोचना है। तो -2 × +2 इज -4, तो -4 में लिख देता हूँ। तो जब मैं ये चीज करता हूँ तो यहाँ पे प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स आप ये चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे -4 है या +6 है, तो मैं इसको यहां से माइनस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इस स्टेप में ये चीज नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्टेप में मुझे हमेशा इसके नीचे ही जाना है, मुझे आगे के टर्म पर नहीं जाना है। आगे की टर्म का नंबर तभी आएगा जब मैं इसके नीचे पहुंचूंगा। ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट होता है। तो -5x सबसे पहले, और मैंने क्यों यहाँ पर -5x लिखा और यहाँ पर -2x
इसको लिखा था क्योंकि मैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने उसको इस तरीके से लिखा था। तो माइनस फाइव एक्स, उसके बाद प्लस फोर, प्लस सिक्स, तो ये टेन हो जाता है। तो माइनस फाइव एक्स प्लस टेन होगा। अब क्योंकि मैं रिड्यूस करके ये चीज लाने की कोशिश कर सकता हूँ, तो मैं या तो वो करूँ वन अपॉन एक्स लाके, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पावर रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर यही छोड़ दूंगा मैं। तो मुझे क्यूबिक्स की वैल्यू मिल गई होगी, आर एक्स की वैल्यू मिल गई, तो यही आपका आंसर है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन बन के बाकी पार्ट्स को भी ट्राई कर सकते हो। सेम तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर टू में भी डिवीजन ही करना है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन टू को नहीं करा रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन टू को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री फोर है, और उसके साथ ही मुझे उसके दो जीरोस दिए हुए हैं, और मुझे बोला गया है कि इसके बाकी दो जीरोस निकाले। तो कैसे मुझे पता चला सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स की इसके दो ही और जीरोस होंगे, क्योंकि डिग्री फोर है पॉलिनोमियल की और उसके दो जीरोस आपको दिए हुए हैं। तो हमें पता है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि अगर डिग्री फोर है तो उसके जीरोस भी फोर ही होंगे। तो दो जीरोस क्योंकि आपको दिए हुए हैं, दो जीरोस आपको और निकालने हैं, तो उसके बाकी दो जीरोस आपको मिलेंगे इसके कोशेंट से। सो अगर आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हो तो आपको कोशेंट उसका जो निकल के आएगा उसमें से आप और जीरोस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पी एक्स तो पता है कि किसे डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर ये तो पता है कि मुझे किसे डिवाइड करना है, लेकिन किससे डिवाइड करना है, जो जी एक्स है उसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, बजाय उसके मुझे क्या दिए हुए हैं, दो जीरोस। तो उन दो जीरोस को यूज करके मुझे वो जी एक्स फॉर्म करना पड़ेगा। तो मुझे क्या बोला गया है, एक जीरो तो है अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री और एक है माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री। तो आपको पता है कि जब जीरोस होते हैं तो हम लोग क्या करते थे, जीरो के इक्वल रखते थे और इक्वेशन को, और फिर हम लोग उसके लिए सॉल्व करते थे एक्स की वैल्यू। तो इस बार हम उल्टा करेंगे। जब मैं इसको इस साइड लेकर के आऊंगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, और इन दोनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वापस वो स्टेप उल्टा कर रहे हैं जो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखी थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर x a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री का स्क्वायर, जो कि होता है फाइव अपॉन थ्री। तो स्टूडेंट्स अब मुझे जी एक्स मिल गया है, अब मेरे पास पी एक्स है और जी एक्स है, तो मुझे डिवाइड करके क्यू एक्स निकालना है। तो आप मैं जी एक्स को इस जगह पर लिख लेता हूं। जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा यहां पर मैंने अपना पी एक्स लिखा, यहां पर मैंने जी एक्स लिखा, तो ये स्टूडेंट्स में वही चीज करने वाला हूं। नंबर साइन सेम है तो कोई साइन नहीं आएगा, नंबर थ्री और एक्स स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो ऑब्वियसली थ्री एक्स टू द पावर फोर आएगा, लेकिन जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। तो जब मैं करता हूँ सॉल्व तो ये क्या आएगा, सिक्स एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा आपका प्लस फाइव माइनस टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। तो इसके बाद मैं इसको आगे रिजॉल्व करता हूं, तो यहां पे मुझे चाहिए होगा
प्लस सिक्स एक्स, सिमिलर तरीके से अगर रिसॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10x। प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए हो जाएगा -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -10x है और ये +10x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये बन जाएगा -5 और ये मेरा पूरा 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि अगर जीरोज हैं तो इसका मतलब जब मैं इससे बनाए हुए पॉलीनोमियल जीरो से बनाए हुए पॉलीनोमियल से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर आपका इंसान जीरो नहीं आ रहा है, अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं और आपका डिवीजन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन जीरो आ गया तो इसका मतलब कि हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। इसमें मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान से समझिएगा, ये हर कोई टीचर आपको नहीं समझाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉलीनोमियल के जीरोस होते हैं तो एंड में जब सारी टर्म्स प्रोडक्ट में आ जाती हैं तो हम उसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो ये पॉलीनोमियल पी एक्स है और अगर मैं देखूँ तो इसकी दो टर्म्स हैं gx into qx, और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है इसका मतलब ये भी जीरोस होंगी और ये भी जीरोस होंगे। अब क्योंकि ये जी एक्स तो यहाँ पे है और इससे हमने दो जीरोस निकाल लिया ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्यू एक्स भी मुझे दो जीरोस देगा जरूर। तो स्टूडेंट्स, वही चीज जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी वही चीज मैंने आपको समझा दी है। तो ये चीज आप बहुत ही बेसिक तरीके में पढ़ चुके हैं और वही चीज है। तो कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्यू एक्स से क्यों निकल के आएंगे जीरोस, कैसे निकल के आएंगे, तो उसी चीज का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि क्यों क्यू एक्स से ही आपके दो जीरोस निकल करके आएंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्यू एक्स का फैक्टराइजेशन करना है और उसके दो जीरोस निकालने हैं। तो आई होप ये आप इजिली कर सकते हैं। तो इससे आगे मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इसके जीरोस निकालें और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखे कि आप इजीली इसके जीरोस को निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। अगर इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें और मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूँगा। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी चलिए हम इसके बाद अब डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके नहीं दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको डिवीजन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको डिवीजन के स्टेप तक लेकर जरूर आऊंगा और उसके बाद आप जो है डिवीजन खुद से करें। रीजन कि मैं आपको डिवीजन क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिवीजन देख लिया है, समझ लिया है, पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं कि हमें डिवीजन कैसे करना होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आप परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि हमने वो सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बनेंगे और ये आपको आगे की पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने मुझे बोला है कि उसने मुझे एक पॉलीनोमियल पी एक्स दिया है जो कि किसी पॉलीनोमियल जी एक्स से डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद उसने मुझे क्यू एक्स और आर एक्स भी दिए हुए, क्वेश्चन और रिमाइंडर भी दिए हुए, और उसने मुझे बोला है कि आप जी एक्स को फाइंड आउट कीजिए। तो उसमें सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अपनी डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि वहीं से मुझे इसका आंसर निकल के आने वाला है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूं तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, अगर मैं आर एक्स, क्योंकि मुझे जी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं बाकी सबको एक तरफ लेके आता हूँ और जी एक्स को एक तरफ छोड़ देता हूँ, क्योंकि आर एक्स यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे क्यू एक्स मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो जी एक्स की होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे जो पी एक्स दिया हुआ है उसमें से मुझे आर एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है और जो पॉलीनोमियल बच के आएगा उसको मुझे क्यू एक्स से डिवाइड करना है।
स्टूडेंट्स डिवाइड तो करना आपको पॉलीनोमियल्स को आता ही है, तो इसका मतलब मुझे बस ये इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद निकाल सकते हैं। चलिए ये फॉर्म कर लेते हैं। तो ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और क्योंकि आर एक्स मेरा दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4, और मेरा क्यू एक्स दिया हुआ है x माइनस 2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x क्यूब माइनस 3x² अब यहाँ पे प्लस x है, यहाँ माइनस 2x है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या आएगा माइनस एक्स, और 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, और ये मेरा आ जाएगा अपॉन में x माइनस 2, ये मेरा हो गया जी एक्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एक पॉलीनोमियल है, ये एक पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है और जो आपका आंसर आएगा वो जी एक्स होगा। ओके, सो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपकी ये वैल्यू निकल के आ रही है तो इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा होगा, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर जीरो ही आएगा। तो क्योंकि अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये तो क्वेश्चन है इस केस में, तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन की वैल्यू हो जाती है। तो अगर आपका रिमाइंडर आ गया तो आपका आंसर इसका मतलब गलत आ रहा है, क्योंकि एक ही वेरिएबल की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। तो एक वैल्यू एक टाइम पर होगी, तो यहाँ पर इसका आंसर एक ही निकल के आएगा, इसमें कोई रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो अब आप लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या आप सही आंसर ला पा रहे हैं। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी जो है करेक्ट आंसर पर ही पहुंचेंगे। तो इसके बाद हम लोगों का स्टूडेंट जो बचता है वो बचता है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 भी आप यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जाम्स में उतना पूछा नहीं जाता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल्स फॉर्म करते होते हैं तो आपको बहुत लॉजिक्स लगाने होते हैं, तो इन लॉजिक्स लगाना इतना सीधा काम नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत हिट एंड ट्रायल भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ और बाकी जो है दो चीज आप खुद करके देखें। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट खुद करके दिखाता हूँ आपको और 2 पार्ट्स आपके लिए होंगे। तो उसमें मुझे बोला है कि मुझे पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स की ऐसी वैल्यूज के एग्जाम्पल देने हैं ताकि पी एक्स और क्यू एक्स की जो डिग्री है वो बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट्स कभी भी आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये मेरा पी एक्स होता है और ये मेरा जी एक्स होता है और ये मेरा पी एक्स होता है। तो कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि जी एक्स को पी एक्स के टर्म के बराबर बनाऊ, और इसके लिए मैं क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि यहाँ पे रहता है, तो एक्स इंटू एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर बनाता है। तो ये और ये या ये और ये इनकी डिग्री तभी बराबर होगी जब बचा हुआ टर्म कॉन्स्टेंट होगा। ओके, तो अगर इन दोनों की क्योंकि मुझे सेम करनी है फिर मैं इसको x से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कुछ कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म में भी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमने बेसिक रूप से हमने समझे थे, जो हमने अपना तरीका समझा था डिवाइड करने का, उसी से हम लोगों ने कुछ टर्म बना ली है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं तो मुझे पी एक्स निकल के आ गया है क्या 4x² और जी एक्स जो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, जी एक्स जो मेरा निकल के आया है वो निकल के आया 4 और क्यू एक्स मेरा निकल के आया है x². अच्छा, रिमाइंडर मेरे पास अभी नहीं आया है, तो रिमाइंडर आप कोई भी वैल्यू अब डाल सकते हैं, क्योंकि अब आपकी ये दोनों टर्म इक्वल हो गई हैं, क्योंकि जब ये दोनों टर्म इक्वल हो गई हैं तो आप दोनों तरफ कोई भी वैल्यू ऐड कर दीजिए और आपका काम हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ +3 और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ +3, तो ये आपकी इक्वेशन इजीली रिजॉल्व होगी। तो
तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको बाकी के दो पार्ट्स भी करने हैं, और बाकी के दो पार्ट्स करने के बाद तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है। तो इसके बाद आपके लिए ये चीज़ फॉर्म करना बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बाकी दो पार्ट्स सॉल्व करें। एंड वंस अगेन, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और हम तक पहुँचे, ताकि मैं आपके उन क्वेश्चंस को, आपके उस क्वेरीज को, डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं और आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकूं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें, और ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। और इसके साथ ध्यान रखिए दोस्तों कि अपना ज़रूर ख्याल रखें, और कोविड के टाइम में तो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।